अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए क्या हाल है? मैं ठीक, तुसी सुनाओ। अल्लाह दा बड़ा शुक्र है। ये ऐसी के पसंद के अल्लाह दा बड़ा सहान ही है। साडे वाल भी सहान ही है अल्लाह दा। की ना है? मेरा नाम शेर बानो। क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। आपके मुरीद वाले करेक्टर से बहुत इंस्पायर हुए हूँ इसलिए। अच्छा, क्या चाहती हैं उस ड्रामे का एंड? मुरीद को उसका बिल्कुल जो उसका हक है ना वो उसको मिल जाए, और अमीन कुरैशी को उसकी सजा मिले। क्या सजा मिले? वो नौकर बन जाए और जो मुरीद है ना वो सबसे बड़ा हो। बाबर अली साहब के खिलाफ साजिश हो रही। अच्छा जी सुनाइए। जहाँ खिलाने पिलाने का एहतमाम न हो, खुदा करे किसी शरीफ की वहाँ शाम न हो, और मुरीद दोस्ती का हर बढ़ता हुआ हाथ चूम लेता है। मुरीद दोस्ती का हर बढ़ता हुआ हाथ चूम लेता है, बस शर्त ये है कि बंदा नमक हराम ना हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? मैं आपके सामने डेढ़ घंटे से। मैं महमूद सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनका बुलबुले वाला ड्रामा बहुत हिट जा रहा है, सब लोग उनका बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। अरे क्या बात है, बड़े तो देखते ही हैं मगर छोटे भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं बच्चे भी। और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। हाँ सुनाइए। सुनाऊँ? हाँ हाँ। अच्छा, जो सुनाना है वो शेर है क्या? सुनाए सुनाए। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं रह ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूँ अपनी हसरतों पे इकबाल, खुदा से सब कुछ मांग लिया खुदा को छोड़कर। थैंक यू थैंक यू। खुश रहो। हमारी ये कोशिश होती है कि ऑडियंस में टैलेंटेड लोगों को चांस दिया जाए। इस बच्ची को हमने पहले भी कोशिश की थी चांस देने की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस दिन गाना भूल गई थी, तो मैं दोबारा आना चाहती हूँ। आज आपको दोबारा मौका दिया गया है, आप दिल से खुल के रूह के साथ गाएं और पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि आप कितना अच्छा गा सकती हैं। दूसरा मौका बहुत कम मिलता है दुनिया में। नाम बता दें अपना। जिया। जिया सुनाइए। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज जान की जीद ना करो आज जान की सीध ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की सीध ना करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भोला जी? आए जी, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे महमूद जी? ओए ऐसे का वैसा ही हूँ। अच्छा जी, हाँ। आपका जो न्यू सीरियल है इश्कावे रमजान सीरियल, हाँ। उसमें आप जो निराली जी के सामने एक्टिंग करते हैं ना, हाँ। कमाल करते अच्छा? हैं। आए। हाँ जी, वो जो आप देख रही हैं। दगड़दम दगड़दम दगड़दम। क्या कहना चाहती हूँ? मैं आप लोगों को शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। इस तरह नहीं करते ताल्लुक तो रखते हैं, इस तरह नहीं करते ताल्लुक तो रखते हैं, राबता तो रखते हैं, माना कि मंजिलें मुश्किल होती हैं, बुलंद होती हैं, मुश्किलों से लड़ा तो करते हैं, आपके जो अपने हों आपसे प्यार करते हों, कि आपके जो अपने हों आपसे प्यार करते हों, उनका हाल कैसा है पता तो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अमेरिका से आई हूँ, न्यूयॉर्क से।
So big fan, huge fan, my all friends, my families. हमारी tiredness खत्म हो जाती है जब हम job से वापस आके आपका show देखते हैं। अरे क्या बात है! और मेरे husband जो हैं वो अभी New York में ही हैं और आप please उनको hi बोलें। Hi husband. महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिग फैन आपका बुलबुले ड्रामा मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था और उसके बाद जब आपकी सीरियस वाला सीन आए तो मैं यकीन नहीं कर रही थी कि ये आप बुलबुले वाले ही हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी होती है। बट अ बिग एक्टर, थैंक्स। हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग हियर इन मज़ाकरात? मैं लाइव देख रही हूँ और जो सीन हमें टीवी में मिलता है सेम हियर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया महमूद साहब। महमूद साहब साढ़े नसीब खुल गए, साढ़े पाक खुल गए, साढ़े दिल पहले ही ताड़े ने। और वी लव यू, खुदा करे कि आपकी आंख में कभी कोई आंसू ना आए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर, बहुत शुक्रिया।